सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का एक लेटेस्ट आदेश फिर जारी हुआ है, जो शैक्षिक सत्र 2023-24 में और विशेष 20 जनपदों हेतु ये माह सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक की कार्य योजना सेल्फ स्टीम के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों को स्कूलों में क्रियान्वयन किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कौन कौन सी गतिविधियां करानी हैं और उनके फोटो और वीडियोज गतिविधि वाइज अपलोड भी करने हैं, देखिए विस्तृत शिक्षा महानिदेशक महोदय के आदेश को। साथियों, सेल्फ स्टीम के अंतर्गत यूनिसेफ फोकस्ड 20 जनपदों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में विविध कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में महोदय महोदया आप अभिज्ञ हैं कि वर्ष 2022-23 से आपके जनपद में यूनिसेफ के सहयोग से सेल्फ स्टीम कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। सेल्फ स्टीम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोर किशोरियों में स्वाभिमान, आत्मविश्वास तथा स्वयं के प्रति जागरूक होने के साथ ही लैंगिक समानता का भाव विकसित करना है। तत्क्रम में विगत वर्ष आपके जनपदों के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कुल 31,238 अध्यापक अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका एवं कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के रुचिपूर्ण संचालन हेतु आधा फुल कॉमिक बुक के 10 सेट प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराए गए। चूंकि किशोर किशोरियों के व्यवहार परिवर्तन में सेल्फ स्टीम कार्यक्रम अत्यधिक प्रभावी रहा है, अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त के अंतर्गत आपके जनपद के समस्त उच्च प्राथमिक कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में गत वर्ष की भांति विविध गतिविधियों के संचालन हेतु कार्ययोजना संलग्न कर प्रेषित है। उक्त गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित गूगल फॉर्म द्वारा विद्यालय से कार्यक्रम की सूचना, बेस्ट स्टोरी, फोटोग्राफ्स, मीडिया कवरेज आदि एकत्र की जाएंगी। कार्यक्रम की को प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला समन्वयक बालिका शिक्षा एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर पूर्व की वहां समय समय पर बैठक कर स्थलीय निरीक्षण कर तथा व्हाट्सएप के माध्यम से सपोर्ट प्रदान करेंगे। अतः आपको आदेशित किया जाता है कि संलग्न कार्ययोजना के अनुसार विद्यालयों में गतिविधियों का आयोजन कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। भौदिस श्री मधुसूदन हुलगी, अपर राज्य परियोजना निदेशक। ये सेल्फ स्टीम के अंतर्गत माह सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक की कार्ययोजना है। सितंबर 2023 में फिल्म स्टार अपहरण चर्चा हेतु कॉमिक्स बुक का नाम और गतिविधि रहेगी गृह भ्रमण, उद्देश्य लड़का लड़की एक बराबर, संदेश को घर घर पहुंचाना। क्रियाकलाप रहेंगे बच्चों के द्वारा किए गए व्यवहार परिवर्तन प्रदर्शित करने वाले कार्य गतिविधियों तथा आधा फुल कॉमिक फिल्म स्टार का अपहरण पर आधारित नुक्कड़ नाटक रोल प्ले पपेट शो का आयोजन। और अक्टूबर 2023 में यानी अक्टूबर महीने में बदलीपुर के चीते अभिभावक बैठक तथा SMC बैठक, योजनाओं का प्रचार प्रसार तथा रूढ़ियों पर चर्चा करना, नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण, जागरूकता रैली बदलीपुर के चीते, कॉमिक बुक पर आधारित नुक्कड़ नाटकों एवं पोस्टर आदि के माध्यम से SMC बैठक एवं अभिभावक बैठक में उपस्थिति व ठहराव पर चर्चा। नवम्बर 2023 खतरे बदलीपुर में उपस्थिति अभियान, सभी बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, 100% उपस्थिति वाले बच्चों व उनके अभिभावकों को सम्मानित करना, अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों व उनके अभिभावकों को सम्मानित करना, स्वच्छता हेतु सम्मान, खतरे में बदलीपुर नुक्कड़ नाटक पर चर्चा। 4 दिसंबर माह में गायब हाथी, गृह भ्रमण, लड़का लड़की एक बराबर, संदेश को घर पहुंचाना, बच्चों के द्वारा किए गए व्यवहार परिवर्तन प्रदर्शित करने वाले कार्य गतिविधियों तथा आधा फुल कॉमिक का हाथी पर आधारित नुक्कड़ नाटक रोल प्ले पपेट शो का आयोजन। इस तरह से जनवरी माह में खजाने का नक्शा, अभिभावक बैठक तथा SMC योजनाओं का प्रचार प्रसार तथा रूढ़ियों पर चर्चा करना। माह फरवरी में बोलती चट्टाने उपस्थिति अभियान, सभी बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, 100% उपस्थिति वाले बच्चों को उनके अभिभावकों को सम्मानित करना और
प्रत्येक माह में एक बार आधा फुल कॉमिक बुक में से कोई भी एक थीम का चयन करें। किशोरी सभा, मीना सभा में विद्यालय में उन बच्चों को सम्मानित करना जिन्होंने सेल्फ स्टीम के मुद्दों पर चेंज एजेंट के रूप में कार्य किया हो। ऐसे बच्चों की सूची बनाना जिन्होंने सेल्फ स्टीम के मुद्दों पर चेंज एजेंट के रूप में कार्य किया है तथा उनकी स्टोरी चार्ट पर लिखकर प्रस्तुत करना। बच्चों की समस्याओं के समाधान हेतु पावर एंजल मीना मंच के नेतृत्व में विद्यालय में सेल्फ डेस्क का, हेल्प डेस्क का गठन करना। बच्चों की केस स्टडी का प्रस्तुतिकरण बच्चों द्वारा कराना। प्रत्येक शनिवार को आयोजित की जाने वाली सभा में कराई जाने वाली गतिविधियां हैं कॉमिक बुक का समूह में वाचन एवं चर्चा, प्रतिदिन प्रार्थना सभा के दौरान सेल्फ स्टीम से संबंधित प्रेरक प्रसंग बोलना, शनिवार की सभा में सेल्फ स्टीम पर आधारित कहानियों में उल्लेखित मुद्दों पर क्विज करना, जलवायु परिवर्तन के संबंध में जागरूकता हेतु बच्चों से वार्तालाप एवं जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले बदलाव एवं खतरों के बारे में नाटक, रैली, पोस्टर निर्माण, कहानी लेखन एवं वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर समुदाय का जागरूक करना। और नोट दिया हुआ है साथियों, सेल्फ स्टीम की गतिविधियों में विद्यालय में पढ़ने वाले समस्त किशोर किशोरियों एवं दिव्यांग बच्चों की समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित कर की जाए। कहानियों के अंत में दी गई गतिविधि पर बच्चों से अभ्यास कार्य तथा बच्चों द्वारा बाल अखबार बनवाकर प्रस्तुत करवाएं। प्रत्येक ब्लॉक से 5-5 केस स्टडी तैयार की जाए। बेस्ट प्रैक्टिसेस को संकुल ब्लॉक स्तरीय बैठकों में प्रस्तुत किया जाए। मास्टर ट्रेनर्स को नियमित रूप से गूगल फॉर्म पर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था। देखिए कौन कौन से 20 जनपद हैं जहाँ पर सेल्फ स्टीम कार्ययोजना। जिला शिक्षा अधिकारी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बदायूं, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महराजनगर, कुशीनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन 20 जनपदों में यह सेल्फ स्टीम जो गतिविधियां हैं ये माह सितंबर से प्रारंभ होकर के आपके फरवरी माह तक ये चलेंगी। प्रत्येक माह आपको एक गतिविधि और हर शनिवार को कराना अनिवार्य है। साथियों इसी प्रकार के अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।